हे तो कैसे हो सब, होप सो कि तुम सब बढ़िया होगे। आज मैं तुम्हें अपनी दुख भरी दास्ता सुनाने आया हूँ। तो ये वर्ड देख रहे हो तुम, यहाँ पे कोई भी इतना अच्छा नहीं है जो मेरे साथ खेल सके। वैसे तो मैं सबको मारता रहता हूँ, तो इसीलिए मैं हर बार नया वर्ड बना लेता हूँ कि इस वर्ड में तो कोई मेरे साथ खेलेगा, लेकिन वहाँ पे भी सब लोग इग्नोर ही मारते रहते हैं। एक तो माइनक्राफ्ट में कोई मेले ओले वाली जगह नहीं है जहाँ पे मैं जाके फ्री में भंडारे का खाना खा सकूं और थोड़ा सा एंजॉय कर सकूं। क्या सच में? मेरे को ये गाय बता रही है कि बगल वाले गांव ढोलकपुर में एक बहुत अच्छा मेला लगा है, तो चलो यार ये मौका मैं कैसे गवा सकता हूँ, तो चलो जल्दी से चलते हैं। गाइस सॉरी फॉर ओवर एक्टिंग, कुछ ज्यादा हो गई। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं फाइनली अम्यूजमेंट पार्क में जो ढोलकपुर में है। तो ये पूरा अम्यूजमेंट पार्क ही ढोलकपुर में है, तो चलो यार जल्दी से इसके अंदर चलते हैं। और इसका नाम है फनलैंड 3, सो लेट्स गो। तो मैं जब अंदर जा रहा था तो मुझे एक बटन दिखा, तो मैं बटन दबाए बिना तो जाऊंगा नहीं, तो चलो यार दबाते हैं। कुछ तो हुआ, पिस्टन कहीं से खुला है क्या? ओ तो इस बटन को दबाने से फायर क्रैकर निकलते हैं, तो एक बार और हम लोग जलाते हैं इसको। इसका व्यू काफी तगड़ा रहता है। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर डायरेक्ट से। तो सबसे पहले हम लोग को टिकट खरीदनी पड़ेगी, तो इधर कहीं टिकट का होगा। ओह इधर तो एक एटीएम है, तो एटीएम में कुछ है क्या, तो चलो देखते हैं। ओह कोई गार्ड नहीं है, तो मतलब इतने सारे, तो देखो मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन बाकी सब जो रहते हैं वो सब चुरा सकते हैं इसको। मैं काफ़ी अच्छा हूँ इसीलिए मैं इसको नहीं छूँगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है एटीएम में। तो अभी मैं एक टिकट भी खरीदने वाला हूँ, तो टिकट इस बटन से मिलता है, तो हम लोग के पास एक टिकट भी हो गई। तो इधर कोई है तो नहीं टिकट चेक करने के लिए, तो हम लोग सीधा अंदर भागते हैं। तो भाई इसके अंदर तो बहुत सारी राइड्स हैं, और भाई इधर एक म्यूज़िक भी बज रहा है बड़ा अच्छा सा, तो चलो यार कोई राइड ढूंढते हैं फिर उसको करते हैं पहले। तो गाइस मुझे मेरी पहली राइड मिल चुकी है, वो ये रही, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छा आवाज़ निकल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पहली राइड यही होने वाली है। तो ये कार्ट आई थिंक जैसे आएगी हम लोग को राइड का बटन दबाना पड़ेगा। नहीं यार ये कार्ट रुकेगी कैसे, रुक जा ब्रो मैंने तो वही तोड़ दिया इसका झूला ही। तो चलो एक कार्ट लेते हैं और इसके ऊपर बैठते हैं, देखते हैं काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस मैं इस झूले पे बैठ चुका हूँ और इस झूले पे काफ़ी मस्त मस्त आवाज़ आ रही है, काफ़ी बढ़िया। तो अभी मैं इस पे ज़्यादा देर नहीं बैठने वाला हूँ, क्योंकि यार मेरा सर दर्द होने लगेगा इतनी आवाज़ सुन के, तो इसको भी रोक देते हैं। तो अब हम लोग की नेक्स्ट राइड हम लोग कौन सी करने वाले हैं, तो इधर कोई रोलर कोस्टर है आई थिंक, तो हम लोग को रोलर कोस्टर करने का, भाई मुझे तो करने का रोलर कोस्टर बड़ा मन है। तो बैठते हैं इस पे और दबाते हैं ये बटन और रोलर कोस्टर शुरू, ये। तो गाइस रोलर कोस्टर पे बैठे बैठे जमाना हो गया, लेकिन ये रोलर कोस्टर है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो यार मैं तब से बैठा बैठा बोर हो गया इस पे, मुझे आग भी लग गया ओ ये कितना मस्त है। तो चलो यार अब रोलर कोस्टर ख़त्म होता है फिर मिलता हूँ। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं बाहर, भाई ये काफ़ी तगड़ा था रोलर कोस्टर, लेकिन इसमें बहुत टाइम लग गया। तो चलो अब ढूंढते हैं अपनी नेक्स्ट राइड, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इसमें बहुत सारी राइड्स हैं। तो नेक्स्ट राइड हम लोग की कौन सी होने वाली है, चलो देखते हैं। तो गाइस हम लोग की नेक्स्ट राइड होने वाली है ये वाली, क्योंकि ये थोड़ी सी डरावनी सी लग रही है, नेदर टाइप का फील दे रही है। तो चलो यार ये राइड लेते हैं और डायरेक्ट से देखने चलते हैं भाई इस राइड में है क्या ऐसा। भाई ये राइड मुझे लग रहा है ये वो ऊपर वाला रोलर, इतना ऊपर, अभी इसके भी ऊपर जाएगा ये, ओ शिट। अभी देखते हैं भाई ये कितना ऊपर जाता है। तो हम लोग फाइनली टॉप पे हैं इस झूले के और फिर से नीचे जा रहे हैं। ब्रो ये झूला भाई मेरा फेवरेट हो गया, ये राइड भाई बहुत तगड़ी राइड है। तो जो भी फनलैंड में आता है तो ये राइड ज़रूर करना, क्योंकि ये काफ़ी तगड़ी राइड है। तो मैं नीचे पहुँच के अब बताता हूँ। ब्रो मेरे को लगा था ना कि ये राइड यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन यार ये सुरंग में कहीं जा रही है, ओ शिट कितना खतरनाक है अभी यार, ये कितना नीचे जाएगा, मतलब इसमें राइड जो है वो काफ़ी बड़े बड़े। तो गाइस नीचे मैं जैसे ही पहुंचा यहाँ पे एक बहुत तगड़ी सी वाइब फ़ोटो बनाई है, भाई बहुत मेहनत लगा हुआ इसको बनाने में, लेकिन काफ़ी कूल लग रही है। तो अभी हम लोग वापस से ऊपर जाने वाले हैं। तो गाइस मैं ऐसे ही घूम रहा था नेक्स्ट राइड के तलाश में, तो तभी मुझे ये राइड दिखती है। तो ये काफ़ी दिखने में काफ़ी औसम थी, जैसे रियल रोलर कोस्टर होता है।
तो गलती से मैं किसी होटल में घुस गया। तो गाइस जब मैं उस राइड के पास गया तो मुझे पता चला वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी उस पे जाना मतलब जान को जोखिम में डालना। तो मैं आ गया एक गेम खेलने के लिए इस जगह पे, तो देखते हैं यार इस गेम को कैसे खेलना है। तो मैंने उस प्रेशर प्लेट को दबाया तो मुझे काफी सारे सामान मिल गए और मैंने उस सामान को लेके कल्टी मार ली, क्योंकि दुकानदार तो था ही नहीं। तो इधर कोई फ्रेम की शॉप थी, यहाँ पे मुझे फ्रेम नहीं खरीदना था, मैं ऐसे ही आया था देखने के लिए। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्डर हेयर, तो इसके पास काफ़ी सारे सामान हैं लेकिन उसमें से मेरे काम का कुछ भी नहीं है, तो मैं वहाँ से भी कल्टी मार लेता हूँ। तो गाइस मुझे एक बहुत तगड़ी सी राइड मिल गई, चलो मैं इसके अंदर जाके ही आपको दिखाता हूँ ये राइड किस चीज़ की है। भाई बहुत मज़ेदार राइड है, तो चलो जल्दी से मैं इस पर बैठता हूँ। कैसे बैठेंगे ब्रो, बैठ गया। चलो दबाते हैं इस बटन को और निकलते हैं यहाँ से, आपको दिखाता हूँ इसमें है क्या। तो अभी हम लोग उसके टॉप पे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग नीचे जाते रहेंगे, तो देखते हैं इसमें ऐसा क्या है जो मैं बोल रहा हूँ इतनी मस्त राइड है। बहुत लोग समझ गए होंगे, और जो लोग खाना खाते समय वीडियो देख रहे हैं वो लोग कृपया करके ना समझें, क्योंकि ये है एक टॉयलेट। तो हम लोग धीरे धीरे अंदर जाते रहेंगे टॉयलेट के, और एक टाइम पे हम लोग उसके अंदर चले जाएंगे। तो ये हम लोग उसके अंदर भाई काफ़ी फनी राइड है जो मुझे काफ़ी मस्त लगी, और होप्स हो कि आपको भी अच्छी लगी हो। तो यहाँ पे मैं एक नाले में गिर गया हूँ, तो नाले से निकलते निकलते मेरे कपड़े ख़राब हो गए और मुझे यहाँ पे एक एंडरमैन का झूला दिखा। तो यहाँ मैं सीधा पहुँच गया एंडरमैन के टांगों के पास। सॉरी ऊपर नहीं देखना, तो चलो सीधा चलते हैं ऊपर को और देखते हैं एंडरमैन के अंदर कैसा लगता है जाके, और पता नहीं यार ये क्या क्या खाता होगा। मजाक कर रहा हूँ भाई, ये बस एक ऐसी राइड है जिसमें आपको फील आएगा कि एंडरमैन जो ब्लॉक पकड़ता है वो कैसा है। तो चलो जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं ऊपर और मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं एंडरमैन के हाथों के पास, और ये देखो एंडरमैन जब ब्लॉक पकड़ता है तो वो कैसा लगता है असलियत में, अगर वो आपको पकड़ेगा तो ऐसा लगेगा कुछ देखने में। भाई कितना बड़ा है ये एंडरमैन लिटरली। भाई इसमें जो भी बिल्ड थे इसमें वो काफ़ी तगड़े तगड़े थे। सो या तो गाइज मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट एंड गुड बाय।